आपकी बहुत अच्छी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। देखेंगे कि ट्वेल्थल पोर्टल पर आपकी पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, क्या एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं। स्पाइन फर्स्ट कार्ड, रिजेक्शन, दूसरा है ऑब्सेशन, तीसरा है इमोशनल स्टॉर्म। ये तो होने वाला है क्योंकि टर्टल पोर्टल है। एंड शॉकिंग, हम इतनी कार्ड्स लेंगे और इसी से देखेंगे कि क्या आपके पर्सन की एनर्जी बढ़ाऊंगा। डेक क्या है भाई? रेजिस्टेंस। आपके पर्सन का यहाँ पर काफ़ी ज़िद्दी लग रहे हैं मुझे, ज़िद्दीपना उनके अंदर बहुत आ रहा है। रनिंग के लिए भी मैं निकालूंगी कार्ड, किस बात से भाग रहे हैं भाई? इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस की फीलिंग यहाँ पर लग रही है, इमोशनली लॉस यहाँ पर लग रहा है। बहुत ही हार्ट ब्रेक हुआ है इनका, लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी का यहाँ पर मसला हो सकता है, थर्ड पार्टी बीच में है और उस वजह से भी उनको काफ़ी इमोशनल लॉस की फीलिंग यहाँ पर आ रही है। मेरे को काफ़ी ग्रीफ में है, काफ़ी तकलीफ वाली, मेरे को पेन वाली उनकी एनर्जी आ रही है। ओके, इमोशनल स्टॉर्म भी है यहाँ पे। ओके, टर्मोइल सिचुएशन बनी हुई है उनकी, काफ़ी अफेक्ट हुए हैं इन एनर्जीज से वो। और ये शॉकिंग कुछ ऐसा कुछ उनके साथ हुआ है यहाँ पर, टावर मोमेंट की यहाँ पे एनर्जी आ रही है मेरे को। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है या होने जा रहा है, या उनको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी जा रही है। ट्रबल में तो है वो, काफ़ी ट्रबल में है। और ये उन ढीठ डीएम की एनर्जी है, मैं सीधे बताऊँ। ट्विन फ्लेम मैं रीडिंग कर रही हूँ आज, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट रीडिंग। उन ढीठ डीएम की एनर्जी जो समझना नहीं चाहते इस कनेक्शन को, थर्ड पार्टी में रह के खुश रहना चाहते हैं, या थर्ड पार्टी में रह के भी सेक्रीफाइस करके ये जो एनर्जी है वो ये समझ लेते कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, चलो कोई बात नहीं, कट जाएगी ज़िंदगी ऐसे। ओह गॉड, बहुत ही हैवी एनर्जी है यार, ये किसकी एनर्जी है? एडिक्टेड है, बिल्कुल अट्रैक्शन है आपकी तरफ है, बहुत ही उनको आपके लिए ऑब्सेशन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। इन्फेचुएशन, एक बहुत एक लगाव उनको है आपसे, ऐसा नहीं है आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्क पूरा छान मार रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे इन्फॉर्मेशन लेने में पूरा आँख उनकी आप पर ही है, ऐसा नहीं है। पर उनको डर भी है कहीं कहीं, मैं उनके अंदर ना फियर ऑफ रिजेक्शन सबसे ज़्यादा होता है कि मैं रिजेक्टेड ना हो जाऊँ, रिजेक्टेड फील करते हैं अपने को, मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, ठीक है ना। अबंडनमेंट का उनको बहुत ज़्यादा डर होता है। गॉड, मेरा हार्ट हैवी हो गया। गॉड गॉड गॉड, थैंक यू, आखिर मैं कर लाती हूँ। चलिए देखते हैं, हम इनको देखेंगे। ओके, प्रार्थना करूँगी कि आपके जो पर्सन है, आपके जो डीएम है, ईश्वर उन्हें इस सिचुएशन से, इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकालें और उनको वो क्लैरिटी दें जो उनको मिलनी चाहिए। जिस भी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन से ईश्वर उनको बाहर निकाले, एंजल्स उनको बाहर निकाल लें, मैं ये प्रार्थना करूँगी। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी बिल्कुल यहाँ पर, थर्ड पार्टी पर भी निगाह है, यहाँ पर आप पर भी निगाह है उनकी। वाह यार, क्या बात है, कॉपरेटिव लव, वाह, कॉपरेट करना चाहते हैं। ओके, इक्वली गिव एंड टेक देना चाहते हैं, उधर भी है इधर भी है, ये क्या होता है? ऐसा नहीं होता है यार, गुस्सा आता है मुझे सच्ची ऐसी एनर्जी को सोच के भी। एक तरफ हो ना, एक तरफा नहीं होगे तो तुम दो नाव में सवार होके कभी भी तुम्हारी नैया पार नहीं हो सकती है, पहले बता दूं। आपके जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, जब आपके ट्विन फ्लेम को पता चल जाता कि ये मेरा कनेक्शन है, ये मेरी डिवाइन फेमिनाइन है, भाई साहब फिर वो नहीं भूलते हैं, फिर वो अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। यस, अभी क्या हो रहा है ना आपके पर्सन के साथ, अगर आपकी ट्विन फ्लेम है, अभी वो समझ रहे हैं चीज़ों को, उनको ब्लेम मत करो, कोई बात नहीं, गुस्सा आता है नो डाउट, क्योंकि वो इनकी सिचुएशन ऐसी होती कि वो भगवान एंजल्स, उनके जो गार्डियन एंजल्स हैं, उनको बहुत सिग्नल देते हैं यार, बहुत साइन देते हैं यार, प्लीज़ नहीं करो। उनके डाउनलोड्स भी होते हैं माइंड में कि
उनकी उनकी सोल उनको पूरी तरह से एजुकेट करना चाहती है कि प्लीज निकलो यहाँ से यार, प्लीज तेरी तेरी ये जगह नहीं है यार, तू निकल यहाँ से, 3D से निकल के 5D में आ, तेरी डायमेंशन ये नहीं है, तो अपने डायमेंशन को चेंज कर, अपनी सोच को ना। गॉड क्या बोलो यार, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है सच में, जिन भी DM की एनर्जी है ना, गॉड प्लीज़ मेरा हार्ट बहुत हैवी हो गया, ये किसकी एनर्जी आई है आज, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताना, प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल माई व्यूवर्स, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना किसकी एनर्जी है। बहुत ही डरे हुए हैं आपके पर्सन, ये जो फियर एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, हो ये रहा है द मैजिशियन, ओके उनको डर है कि आप कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस वो एक्चुअल में, और वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन क्या हो रहा है ना, उनके डर सामने आ रहे हैं कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। ऐसा क्यों है, टेन ऑफ वॉन्ड्स ऑब्सेशन, बहुत हैवी हार्ट जो मेरा हो रहा था ना, वो इसीलिए हो रहा था कि उनकी टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ओवरबर्डन हो रहे हैं, ठीक है, सोच के काम हो सकता है, आप हो सकते हो, चारों तरफ से उनके ऐसे चीज़ें हावी हो रही है ना उनके ऊपर, कि बहुत ज़्यादा उनका माइंड जो है ना बहुत हैवी हो रहा है, उनका हार्ट बहुत हैवी हो रहा है, पर वो इस चीज़ से निकलेंगे, क्योंकि इमोशनल स्टॉर्म की भी एनर्जी है, शॉकिंग की एनर्जी, बहुत ही अजीब से काट रहे हैं यार मेरे को, क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसे किस टीम की एनर्जी है यार, कलेक्टिव है, जनरल है गाइस, सबकी एक जैसी नहीं हो सकती, आप हो सकता है आपसे मैच ना हो, क्योंकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं इस जर्नी में, तो उनकी DM की एनर्जी तो मुझे नहीं लग रही है, ये उन DFs की एनर्जी लग रही है, DM की एनर्जी लग रही है जिनकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है 2-4 महीने से, उनकी एनर्जी लग रही है, तो अच्छी बात है, उनको थोड़ा सा, ओ माई गॉड इमोशनल स्टॉर्म, देखो आप क्या बोलूँ, 5 of Wands की एनर्जी है, बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स आपके थर्ड पार्टी के साथ या आपके साथ हुए हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा वो रिजेक्शन फील कर रहे हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, या तो आने, मैं आपको बता दूं कि आपको एक तो मैं द वर्ल्ड शॉकिंग, एक सेकंड मैं एक कार्ड और लूंगी शॉकिंग के लिए, वर्ल्ड तो मेरे को समझ आ गया क्यों आया, बट शॉकिंग के लिए मुझे कार्ड दीजिए माइकल, गुड न्यूज़ है, कोई बात नहीं, अच्छी है, अगर ये चीज़ आई है द डेथ, बिल्कुल गाइस उनकी लाइफ में इतने धमाल मचे हुए हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स, बट आपको कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं आपसे, डिसेप्शन, एनवी, जलसी, ये सारी एनर्जी कहीं ना कहीं हो रही है उनके अंदर, वो पूरी तरह से उनकी एनर्जी हिल गया है यार, उनका दिमाग पूरा हिला पड़ा है। चलिए बात ये है कि जो मेरे अंदर जो फील कर पा रही हूँ ना मैं, वो बहुत ही हैवी, मेरे को कभी ऐसे पहले कभी रीडिंग करते हुए ऐसा नहीं हुआ है गाइस। डेथ की एनर्जी क्या है ना, एंडिंग हो रही है कुछ उनकी थर्ड पार्टी के साथ, गुड न्यूज़ है ना, थर्ड पार्टी के साथ उनकी एंडिंग हो रही है, बहुत ही लड़ाई झगड़े फाइट बिल्कुल हुआ पड़ा है, क्योंकि आपसे तो सेपरेट है वो, आपसे बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि आपको तो स्पाय कर रहे हैं, और एक बार बता दूं आपको, एक और बात बता दूं आपको, थर्ड पार्टी भी स्टॉक कर रही है, समझ रहे हो, आपको थर्ड पार्टी भी स्टॉक कर रही है, और इस वजह से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में घमासान हो चुका है, क्योंकि आपको लेकर उनके बीच में बहुत फाइट हो रही है, ये उन DFs और DM की एनर्जी है जिनकी DM की जो थर्ड पार्टी है वो DM की DF को जानते हैं, उनके बीच में ये हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं। नाइस, वेरी नाइस,
लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो मेरे व्यूअर्स, कोई बात नहीं। क्वीन ऑफ कप्स, यस, आपकी वजह से ये लड़ाई है, ये फाइट हो रही है, क्योंकि भाई आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आपकी लाइट कोई बियर ही नहीं कर सकता, आपके डीएम की एनर्जी कोई बियर नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आपके डीएम थोड़ा सा नेगेटिव उसमें चले जाते हैं, एक नेगेटिव जो उनका एक सर्कल बोल सकती हूँ, वो पूरा नेगेटिव हो रहा है, उनकी ऑरा एक नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, तो इसी वजह से वो थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वो थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है ना, वो आपकी लाइट उस तक पहुंचती है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, एक्चुअल में एनर्जी का गेम समझना। इसी वजह से कि डीएम डीएफ एक है, वो थर्ड पार्टी जानती है, वो कभी अलग नहीं हो सकते, वो एक हैं, इसी वजह से थर्ड पार्टी और आपके डीएम में मस्त घमासान हो रहा है गाइस। आई एम सो हैप्पी एक्चुअल में। बस समझ रहे इस बात को, ये है एनर्जी, और ये किनकी एनर्जी, मेरे को प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना यार, ये एनर्जी क्यों है, किसकी है यार ये, ठीक है, ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, आपकी पर्सन की नेगेटिविटी रिलीज हो रही है इस टाइम पे, थर्ड पार्टी रिलीज हो रही है, आपके पर्सन के लिए निकाल रही हूँ आज ये सारा। गॉड, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपके पर्सन के लिए एनर्जी है कि भाई थोड़ा सा देना सीख, हर टाइम तू सोचेगा कि तेरे को हमेशा सब कुछ अच्छा मिले और तेरे मुताबिक सब कुछ हो, ऐसा नहीं होता है, ईश्वर भी कुछ चीज है, ठीक है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ये आपके लिए है कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपके डीएम को आपके पास ला सकता है। सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आपके आत्मविश्वास में कमी नहीं आएगी कि ये मेरा डीएम है, ये मेरे पास आएगा, जो कुछ भी सिचुएशन बनी हुई है इसकी आउटर वर्ल्ड में, तो वो रियलिटी में नहीं है, मैं कन्वर्ट नहीं होने वाली है, सॉरी, वो फेक है और वो एक तरह से इल्यूजन है, टोटली इल्यूजन। तो ये आपके लिए है, आप यहाँ पर डीएफ्स जो भी हैं, कॉन्फिडेंस इज की योर की, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, यानी कि आपका ही जो कॉन्फिडेंस है वो ही इस कनेक्शन में सक्सेस लेकर आएगा। गॉड, पावरफुल चेंजेस आ रहे गाइस आपके इस कनेक्शन में, थर्ड पार्टी की तो बैंड बजने वाली है, अब आपका पर्सन ही बजाएगा उसकी बैंड, क्योंकि जो वो लड़ाई कर रही ना कहीं आपकी जो सोल है ना, अगर आप सोल, आपका डीएम, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपके बारे में कुछ भी बोले, वो भले ही आपको कुछ भी बोले, लेकिन आपके बारे में अगर थर्ड पार्टी कुछ भी बोलती है तो आपका डीएम वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसी वजह से उनके जो लड़ाई हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, ठीक है। ये सी कार्ड में इतना ही निकालूंगी, ओके, एक्चुअल में देखते हैं कि आगे क्या एक्शन होने वाला है इनका, ओके, दो कार्ड दिए हैं, यस, ये जो भी जिस भी ट्रैप में फंसे हुए हैं इस ट्रैप से निकलेंगे, और ये हार्मनी, ये इस कनेक्शन में, आपकी इस कनेक्शन में हार्मनी आएगी गाइस, वो निकलेंगे इस थर्ड पार्टी से। ये जो फियर है ना उनके अंदर अपनी सोच को लेके, थर्ड पार्टी से इतना डरते हैं कि वो निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन निकलेंगे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये बहुत, ये कोई नहीं हटा सकता, ये जो कनेक्शन आपके पर्सन फील कर रहे हैं ना, इसको उनके दिल से कोई नहीं निकाल सकता, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इस ट्रैप से भी निकलेंगे और ये आपके इस कनेक्शन में हार्मनी आएगी गाइस, क्योंकि लवर्स का कार्ड है ये, क्योंकि आप एक बहुत ही प्यारी जर्नी में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है,
और आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट। और ये इस रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस, मूविंग ऑन। अभी चैलेंजेस हैं थोड़ा सा उनके सामने, बट वो जो भी चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने और स्टैंड लेते हुए दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, क्योंकि डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, वो सॉरी डेविल की एनर्जी है, थोड़ी नेगेटिविटी से वो डील कर रहे हैं, बट वो उससे बाहर निकलेंगे क्योंकि आदत है उन्हें उस नेगेटिविटी की, उसको समझ चुके हैं, उस नेगेटिविटी को ही समझ चुके हैं कि इसको मैं इससे मेरे को निकलना कैसे, क्योंकि अपनी शेडो साइड पे काम जो कर रहे हैं वो, ठीक है। और ये आ रहा है ये जो एनर्जी आ रही है, और बड़ा सा डेक पता क्या है, लाइट, इस लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, इस लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं गाइज। 196 आपके पर्सन का मैस्कुलिन साइड हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, जो भी वेटिंग गेम है खत्म, जो भी वेटिंग गेम उन्होंने करवा रखा था, वेटिंग चल रही थी कि आपको पूरा एक तरह से वेट करा रहे थे, उनकी तरफ से डिले हो रहा था, अगर मैं बात करूं उन्हीं की तरफ से डिले हो रहा था, कहीं ना कहीं आप इवॉल्व हो चुके हो, अवेकेंड हो चुके हो इन सब चीज़ों को, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो लेकिन आप करेंगे। सन की एनर्जी पूरी फुल ऑन क्लैरिटी उनको मिलने वाली है। रैंडम निकालूं, मेमोरीज ऑफ लव, हार्ट चक्रा, बिल्कुल दिल में आप उन आप ही उनके, हार्ट चक्रा भी बैलेंस हो रहा है, जब हार्ट चक्रा बैलेंस होता है ना तो अपनी डीएफ की तस्वीर साफ दिखाई देती है उन्हें कि कौन है मेरे दिल में असल में, ओके। तो बिल्कुल चूज वाइजली वाली एनर्जी है, बिल्कुल चूज करेंगे, बहुत ही वाइज गेम खेल रहे हैं, ठीक है, वाइजली वो चीज़ों को चूज करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ओके। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी थर्ड पार्टी है उसका तो पत्ता साफ, बिल्कुल पत्ता साफ, और उनको आपके पर्सन को ट्रस्ट भी हो चुका है कि ये कनेक्शन ही मेरा असली कनेक्शन है, क्योंकि प्रोटेक्शन टोटली आप दोनों को ऐसे जकड़ दिया है और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं आप, देख रहे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे बंधे हुए हो, तो आपको इधर से खींचेगा उधर से खींचेगा, रहोगे आप एक साथ ही, तो कोई नहीं तोड़ सकता, कोई थर्ड पार्टी की मजाल जो आपको अलग कर दे, कोई ब्लैक मैजिक जो आपको आपको अलग कर दे, गारंटीड है नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइन की जो आंखें हैं ना वो आप पर ही हैं, ठीक है। कोई भी टावर मोमेंट आया है तो इसी वजह से आया कि आपके पर्सन की आंखें खुले कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा है क्या। ये जो मैनिपुलेटिंग होती है ना, बहुत मैनिपुलेट करती हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती हैं, वो नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसी वजह से वो आइसोलेट हो चुके हैं, वो बात भी नहीं करते हैं थर्ड पार्टी से, फोन कॉल मैसेज सब बंद है, अपने आप से कनेक्टेड है वो। स्वीटनेस उनकी तरफ से, ये स्वीटनेस अब उनकी तरफ से आ रही है कि मैं ही सब कुछ ठीक कर सकता हूं, ठीक है, और जो भी फियर थे कहीं ना कहीं उनके फियर दूर हो रहे हैं। रैंडम मैं निकालूं तो मैजिक होने वाला है गाइज आप लोगों की लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में, कुछ एक महीना, 7 दिन, 7 हफ्ते, जो अभी नए आए, कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में, ये मैजिक आ रहा है ऑन द वे, एक्सेप्ट कीजिए इस चीज को, ये ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए अपने हार्ट को ओपन करो। तो ये गाइज है, और कॉन्शियसनेसली आप इन चीज़ों को फील कर पाओगे, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, ठीक है, अवेयरनेस में रहिए, ठीक है, जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, बिल्कुल, ओके। थोड़ा सा और देख लेती हूँ मैं जरा इनसे, जब तक मैं एंजल्स को ना देख लूँ, उनसे ना पूछ लूँ, मेरे को शांति नहीं मिलती एक्चुअली। 10 10 10 क्या बोला मैंने, कार्मिक कनेक्शन कंप्लीशन। तो गाइज आपका ये जो कार्मिक कंप्लीशन है ना, थर्ड पार्टी का वाला जो फेज है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। आपको सपने में बहुत सारे लोग भी दिख सकते हैं, यहां पर मेरे को कलेक्टिव में ये एनर्जी है, ठीक है। आप अपनी दृढ़ता को बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल सक्सेस आपको ही मिलेगी, डोंट वरी। 2222 लव, ये प्यार आपका है एंजल्स, अगर आपको 2222 दिख रहा है ना तो एंजल्स कह रहे हैं कि भाई रीयूनियन होने वाला है, तभी ये सब चीज़ हो रही है। 4444 पूरी तरह से एंजल्स के सब आप सपोर्ट में हैं, प्रोटेक्शन में हैं, और हर चीज़ रिलीज हो रही है जो चीज़ आपके पर्सन को सर्व नहीं कर रही है, और ये रिलीज होंगी इस 12 पोर्टल पर,
तो अभी के लिए गाइस इतना अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छी रीडिंग है, कोई बात नहीं, ये उतार चढ़ाव होते हैं लेकिन आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं, आपके फेवर में ही हो रहा है सब कुछ, ये समझ लो। तो अभी के लिए इतना ही, बाद में बात करते हैं, बाकी कल के देखेंगे। शिफ्ट होती है एनर्जीज, चेंज होती है, माइंड बिल्कुल कभी इधर कभी इधर गेम खेलता रहता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।